हेलो गर्ल्स गर्ल्स, मैं रविता चौधरी आपको होम साइंस में शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन पढ़ा रही थी। इसमें हमने पारिवारिक बजट का अर्थ, उसकी परिभाषा और पारिवारिक बजट के उद्देश्य पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में पारिवारिक बजट के प्रकार, पारिवारिक बजट की मुख्य मदें और पारिवारिक बजट बनाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गर्ल्स। पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट तीन प्रकार का होता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। मैं एक एक करके इनको डिटेल कर रही हूँ। तो संतुलित पारिवारिक बजट, इस बजट में क्या होता है, जितनी इनकम होती है उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी जितनी आय होगी उतना ही व्यय हो जाएगा, कुछ भी बच नहीं पाता। लेकिन इसमें कहीं से उधार भी नहीं लेना पड़ता, जितनी आय हुई उतना व्यय हो गया, इसलिए इसे मजबूरी का बजट भी कहते हैं। मान लीजिए एक परिवार की इनकम 20,000 रुपये है और उसका खर्च भी 20,000 रुपये ही हो गया, तो उसे बचा क्या? कुछ नहीं। लेकिन इसमें ये ऐसा होता है कि घाटे के बजट की तरह उधार नहीं लेना पड़ता, तो ये बजट ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन घाटे के बजट की तरह ज़्यादा बुरा भी नहीं होता। ये सो बजट कह सकते हैं इसको, संतुलित यानी बैलेंस, ना तो कम ना ज़्यादा, लेकिन ये बजट भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है घाटे का पारिवारिक बजट। ये बजट सबसे खराब बजट माना जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे खराब बजट या सबसे बेकार बजट कौन सा बजट माना जाता है, तो आप उसमें लगाएंगे घाटे का बजट या लिखेंगे घाटे का पारिवारिक बजट, क्योंकि इस बजट में खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता है, जिससे कि जो आर्थिक स्थिति है दिन ब दिन और कमजोर होती चली जाती है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इस बजट को हम अच्छा नहीं मानते हैं, सबसे खराब बजट होता है ये। मान लीजिए कि किसी परिवार की आय 20,000 रुपये है और उसका खर्च 25,000 रुपये हो गया, तो एक तो वो बचत नहीं कर पाएगा, ऊपर से जो 5,000 एक्स्ट्रा वो खर्च किया है तो उसको उसे उधार लेना पड़ेगा। तो इस बजट से हमेशा बचना चाहिए। अगर बाई चांस आपको इस बजट को बनाना पड़े, यानी मजबूरी आ जाए, किसी मंथ में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, मजबूरी आ जाए कि आपको ऐसा बजट बनाना पड़ रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट मंथ में इस बजट में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है उसकी पूर्ति हो जाए, ताकि आगे आने वाले समय में आपका जो पारिवारिक बजट है वो सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट है बचत का पारिवारिक बजट। सबसे अच्छा बजट माना जाता है बचत का पारिवारिक बजट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वर्तमान आवश्यकताओं की तो पूर्ति होती ही है, भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ बचत करके रखी जाती है, तो ये सबसे अच्छा बजट माना जाता है। इसमें मान लीजिए किसी की इनकम है 20,000 रुपये, तो वो परिवार अपनी इनकम जितनी है उससे कम खर्च करता है, वो 18,000 रुपये खर्च करता है और वो 2,000 रुपये भविष्य के लिए बचा लेता है, और ये बचत उसे भविष्य में होने वाले जो आकस्मिक खर्चे हैं तो उनके काम आती है। तो तब उस पर कोई आकस्मिक खर्च आता है, जैसे भविष्य में कोई दुर्घटना परिवार में हो जाती है, या फिर आगे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये बचत काम आती है। तो इसलिए सबसे बेटर जो बजट माना जाता है वो बचत का बजट माना जाता है। अब हमने देखो ये देख लिया पारिवारिक बजट के प्रकार, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। सबसे अच्छा बजट बचत का बजट और सबसे खराब बजट घाटे का बजट, और बैलेंस बजट, संतुलित बजट यानी मजबूरी का बजट जो है वो संतुलित बजट। अब है पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें। पारिवारिक बजट बनाने से पहले तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन कौन सी मुख्य मदें यानी खर्चे हैं जिन पे हमें खर्च करना है, परिवार को खर्च करना है, और उसी के अनुसार एक गृहिणी अपना बजट तैयार करती है। तो ये खर्चे हर परिवार में अलग अलग हो सकते हैं, और किसी परिवार में कोई खर्च ज़्यादा हो सकता है और किसी में वो उसमें कम खर्च हो सकता है, तो ये तो हर परिवार का अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी जो मदें हैं वो सभी अधिकतर शामिल होती हैं एक परिवार में। तो सबसे पहले है भोजन एवं संबद्ध सामग्री।
होने वाला अव्यय प्रतिशत कम होता जाता है। तो जैसे कि जो लो इनकम सैलरीड पर्सन है या सैलरी वाले फैमिली है तो उनके भोजन पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो वो 60% अपने भोजन पर ही खर्च कर देते हैं टोटल इनकम का। तो सबसे मुख्य होता है कि भोजन पे खर्च करते हैं, और इसमें जो अन्य है जैसे कि भोजन को खरीदने के लिए जैसे रसोई घर की व्यवस्था के लिए और भी है, जैसे ईंधन लाना है, उससे सामान बर्तन है, इस तरह किचन की जो व्यवस्था करना, तो ये सब भी उसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है वस्त्र। वस्त्र सेकेंड एक्सपेंडिचर है, सेकेंड नंबर पे वस्त्र आते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान तो जो मुख्य अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जीवन रक्षक आवश्यकताएं हैं, तो उसमें सेकंड नंबर पे वस्त्र आते हैं। वस्त्र में भी परिवार खर्च करता है, वो अपनी आय के अनुसार खर्च कर सकता है। कुछ जो हायर सैलरी पर्सन हैं या जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, जिनकी इनकम कम होती है वो अपने हिसाब से ही कपड़े चुनते हैं। नेक्स्ट है मकान तथा आवास संबंधी आवश्यकताएं। तो मकान में खर्च होता है, ये एक एक्सपेंडिचर है, इसमें हमें रखना पड़ता है, क्योंकि मकान एक जैसे जिसे रेंट पे अगर होते हैं तो उन्हें मंथली पे करना पड़ता है, लेकिन जिनका अपना मकान होता है तो उनमें भी मेंटेनेंस के लिए खर्च करना पड़ता है। एक बार एक मुक्त राशि लगाने के बाद भी मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए हमें अपने मकान पर खर्च करना पड़ता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी मद, तो एक परिवार में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो मद होते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है घर के अन्य आवश्यक व्यय, वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कपड़ों को धुलवाना अगर बाहर हो तो उसका एक्सपेंडिचर रहा, और घर के अन्य सामान आने हैं तो उसका एक्सपेंडिचर रहा, वो सामान कुछ भी हो सकते हैं। जैसे घर में गर्मियों के लिए हमें कूलर चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, बिजली का बिल कितना ज़्यादा आता है, सर्दियों में भी बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो ये सारे एक्सपेंडिचर उसमें आ जाएंगे। यातायात संबंधी मद, परिवार कहाँ जा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, ये परिवार का अलग अलग हो जाएगा। व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, व्यक्तिगत व्यय यानी पर्सनल व्यय, आप पर्सनल व्यय पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत व्यय मतलब किसी पर्सन का अपना व्यय, वो जैसे कुछ अपने पे ज्यादा से ध्यान देते हैं, जैसे गृहिणी है, परिवार के कोई सदस्य है तो पार्लर जा रहे हैं, उनका ये व्यक्तिगत खर्च हो गया, या कुछ जो फैमिली वाले हैं तो उनका कोई जैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ शराब सिगरेट कुछ फैमिली में पी जाती है, तो ये भी उनका व्यक्तिगत खर्च होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने लिए सही समझता है वो व्यक्तिगत खर्च कर सकता है, तो बाहर जाके खाना ये भी व्यक्तिगत खर्च में आएगा। नेक्स्ट है बचत संबंधी मद, मद तो परिवार बचत का जो उसमें रखता है, तो ये जरूरी भी है, बचत का जरूर रखना चाहिए अपने बजट बनाते समय, तो ये भी एक मद है जो पारिवारिक बजट में हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट बनाने के लाभ, तो पारिवारिक बजट बनाने से किस किस को लाभ होता है, तो पारिवारिक बजट को भी गृहिणी बनाती है तो सबसे ज़्यादा लाभ तो गृहिणी का ही होता है, क्योंकि जो गृहिणी है तो उसे अपने परिवार की इनकम का एक्सपेंडिचर का पता लगता है, घर के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति को अच्छी तरह से करती है। अर्थशास्त्रों को लाभ, अर्थशास्त्री पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ही अपने बनाते हैं, वो बनाते हैं कि किस तरह से एक देश काम कर रहा है, उसके यहाँ पे क्या क्या योजनाएं चल सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें वो उसका डेटा अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो सरकार को देते हैं। तो ये अर्थशास्त्रियों के लिए भी परिवार से अगर बजट बना हो तो वो दे सकते हैं। समाज सुधारकों को लाभ, समाज सुधारकों को क्या लाभ है, इनकम का जो स्तर होता है वो देखकर ये पता लगा सकते हैं कि किस देश में कितने गरीब
ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो और फिर है सरकार को लाभ, क्योंकि जो अर्थशास्त्री जो डेटा बनाते हैं, जो समाज सुधार जो देखते हैं, तो वो सारी चीजें सरकार को बताते हैं और सरकार भी अपने सर्वेक्षण कराती है ये देखने के लिए कि परिवार में किसकी कितनी इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग लोग उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो ये सब कुछ किस तरह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल है जब एक हर परिवार का अपना बजट हो, तो वहां से वो देख के कि हाँ ये परिवार में इतनी आय है, इतना खर्च है, वो सारे ये ले सकते हैं। फिर डेटा तो ज्यादा आसानी से हम नेशनल स्तर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पारिवारिक बजट के निर्माण में बाधाएं। पारिवारिक बजट के निर्माण में क्या बाधाएं आ सकती है, बच्चों बजट बनाना तो जरूरी होता ही है, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई किसी को जब फोर्स तो किया नहीं होता कि बजट बनाओ। ये तो अपनी मन की मर्जी होती है कि अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए कोई गृहणी बजट बनाए। तो उसमें क्या क्या बताया जा सकती है, पहला अशिक्षा तथा अज्ञानता। हमारे देश में अब भी बहुत ज्यादा अशिक्षा है और अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारे देश की केवल 63% वुमेन्स की एजुकेटेड हैं, यानी साक्षर हैं, तो बाकी की तो साक्षर नहीं हैं। तो और जो साक्षर हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो उतने हाई लेवल तक पढ़ चुकी हों कि वो बजट बना लें। तो ये अशिक्षा सबसे मेन कारण है कि उनके बजट बनाने में बाधा है। बजट के प्रति उदासीनता, बजट आप पढ़े लिखे भी हैं, बजट बना भी सकते हैं, जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बजट नहीं बनाते, उदासीनता वो कहलाती है कि हम सब कुछ जानते हुए भी वो काम ना करें, तो वो बजट के प्रति उदासीनता है। कुछ गृहणियाँ जो बहुत हाई एजुकेटेड हैं और बजट बनाना जानती भी हैं, फिर भी वो हिसाब नहीं रखती कि कौन हेडेक ले, वो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो ये उदासीनता भी एक मुख्य कारण है। समाज में प्रचलित कुप्रथाएँ, कहीं कहीं समाज में होता है कि गृहिणी को या फिर औरतों को जो घर का आय व्यय का लेखा जोखा नहीं देते कि वो बजट बनाए, वो खुद अपने हाथ में रखते हैं। तो ये जब ऐसा होगा तो फिर गृहिणी कैसे बजट बनाएगी, अगर उसके हाथ में इनकम ही नहीं होगी तो वो कैसे बजट बना सकती है। तो ये भी इसका मुख्य कारण है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कभी किसी परिवार में ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, जैसे शादी ब्याह या फिर मुंडन संस्कार या फिर कोई भी बर्थडे पार्टी, तो इसमें ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, फिर उनके प्रति एक डर बैठ जाता है कि अरे ज़्यादा खर्च हो गया, बजट नहीं होता, तो उनको ये रहता है कि हाँ हमारा खर्च ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा उल्टे सीधे खर्च करने के बाद एक तरह से बजट बनाने से वो डर से जाते हैं। तो ये आपने यार इसमें